नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 3 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द विंची रिजॉल्व में कलर पेज में जो भी नोट्स अवेलेबल हैं सब आपको मैंने डिटेल में समझाई थी और वो नोट्स क्या करती हैं, कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, सब बातें मैंने आपको समझाई थी। इस वीडियो के अंदर हम एडवांस्ड नॉइज़ रिडक्शन एंड कलर ग्रेडिंग के ऊपर थोड़ी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं वही नोट्स का कुछ इस्तेमाल करने वाला हूं, तो जिन लोगों को नोट्स के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछली वीडियो आप देख लें जो डे 2 वाली थी। मैं कहीं पे आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, तो जाकर के वो वीडियो पहले चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा, राइट। तो अब ये मानते हुए कि आपने वो वीडियो देख ली है और नोट्स की आपको पूरी क्लैरिटी है, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ में। ये मेरे सामने एक वीडियो का प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैंने इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई है। वैसे गुची स्नैक्स नाम का ये गाना था डो बॉय लियो का, तो वो भी इसी चैनल के ऊपर डली होगी कहीं पर आई बटन में, उसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको VFX वगैरह कैसे हुआ है, कैसे ये गाना बना है, वो सब चेक करना है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं इस वीडियो में। फिलहाल ये शॉट हमारे पास खुला हुआ है, इसकी ग्रेडिंग यहाँ पर ही कुछ नोट्स लगे हुए हैं और मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ओरिजिनल फुटेज इस टाइप की थी, एंड दोबारा ऑन करता हूँ यहाँ से, यहाँ तक हम कलर्स को लेकर के आए हैं, राइट। तो इस तरह की फुटेज में क्या है, ये थोड़ा डे टाइम का शॉट है, राइट। इसमें थोड़ी रोशनी ज़्यादा है, लाइटिंग प्रॉपर है, इसलिए इसमें नॉइज़ उतनी आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये काफ़ी क्लियर वीडियो है, कोई इसमें इशू नहीं है, तो इसकी ग्रेडिंग आसानी से हो जाती है, राइट। अब इसके कंट्रास्ट में मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ। इस वीडियो में कुछ शॉट बहुत ही नॉइजी आ गए थे, जैसे ये शॉट है, अभी आपको देखने में क्लीन लग रहा है शॉट, लेकिन मैं अगर इसका ऑफ करता हूँ ग्रेड, तो आप देख सकते हैं कि शॉट के अंदर कितनी जो है नॉइज़ भरी हुई है। आई डोंट नो यूट्यूब में कितना ये जा रहा होगा, बट काफ़ी नॉइजी ये शॉट है, राइट। तो कभी कभी ऐसी नॉइज़ हमको आ जाती है, कई बार इससे भी ज़्यादा नॉइज़ हमको जो है फेस करनी पड़ती है। उस सिचुएशन में आप नॉइज़ को कैसे रिमूव करेंगे प्रोफेशनली, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिलहाल जो भी आपको ये चार्ट दिख रहा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। मैं इसको एक बार सारी नोट्स को डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पूरा नोट चार्ट मैंने डिलीट कर दिया, सब नोट्स डिलीट हो चुके हैं हमारे पास, सिर्फ ये एक इन सोर्स है और एक सोर्स आउटपुट है। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ और करेक्टर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर सोर्स के साथ में, तो यह हमारी फर्स्ट नोट बन गई। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड नोट, और यहाँ पर एक स्प्लिटर को ऐड करता हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था स्प्लिटर क्या काम करता है, ये आपके जो RGB चैनल है इसको 3 RGB और B तीनों में अलग अलग में ये डिवाइड कर देता है, राइट। इसके बाद में हम ऐड करते हैं फिर से एक करेक्टर, तो हम राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सिंपली Alt+S और Alt+S दो बार प्रेस करके भी हमारे पास दो ये आ जाएंगी फटाफट, तो जो भी आपको बेटर लगे तरीका उस तरह कर सकते हैं। बस इन तीनों को ऊपर नीचे मैं लगाऊंगा और इसकी ये जो R की वैल्यू है यहाँ पे RGB मैंने आपको है ना, तो रेड चैनल को मैं यहाँ डाल दूंगा, सेकेंड नंबर ग्रीन चैनल को यहाँ डाल दूंगा और ब्लू चैनल को यहाँ पर डाल दूंगा। इसके बाद हम लगाएंगे एक कंबाइनर नोड, तो एक कंबाइनर नोड यहाँ पर आ गया है, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, इधर कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, देन ये कंबाइनर की आउटपुट जो है इसको हम मेन आउटपुट में डाल देंगे। तो बेसिकली हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये चार्ट ही बनाया कि हमारे पास फर्स्ट जो नोड है उससे इसको हमने RGB को तीन में स्प्लिट किया, तो रेड चैनल ऊपर आ गया, देन ग्रीन, देन ब्लू, फिर तीनों चैनल को जोड़ के वापस RGB बनाया और ये हमारी आउटपुट में चला गया। अब ये मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट जो ये वाला है इसके ऊपर नॉइज़ रिडक्शन लगाते हो तो आप सिंपली यहाँ जा करके अगर आप किसी भी यहाँ पर टैप पे हो तो नॉइज़ रिडक्शन वाली टैप पे यहाँ पर आ जाना है आपको, और यहाँ पर अगर मैं 3 करता हूँ इसको फुल कर देता हूँ नॉइज़ रिडक्शन को, इसको भी फुल कर देता हूँ, तो नॉइज़ हमारी रिड्यूस होगी पर हमारी काफ़ी जो है इमेज धुंधली भी हो जाती है और कंट्रोल हमारे पास कंप्लीट नहीं रहता इमेज के ऊपर, राइट। इस तरीके से जब आप नॉइज़ रिडक्शन को हटाते हैं नॉर्मल केस में तो चल जाता है, जब ज़्यादा एक्सट्रीम नॉइज़ हो तब यहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ब्लरी इमेज हो जाती है, यूजेबल नहीं रहती कई केस के अंदर, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर अभी के लिए रीसेट कर देता हूँ। उस केस में हम क्या करेंगे, हम 3 चैनल्स को अलग करेंगे और आप पर्टिकुलर किसी चैनल को अगर देखना चाहते हैं किसी भी नोट को, तो उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर हाईलाइट है इस पर क्लिक करें। अब हमें दिख रहा है कि ये जो चैनल है रेड चैनल, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं इसको क्लिप मार्क भी कर देता हूँ, नोड लेबल रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेरे को यहाँ पर चैनल के अंदर अलग अलग टाइप की नॉइज़ दिख रही है। यहाँ पर ब्लू के अंदर देखो काफ़ी बड़े स्प्लॉचेज़ हैं, ग्रीन के अंदर थोड़ी सी कम नॉइज़ है, रेड के अंदर थोड़े से नॉइज़ है, बट आप देख सकते हैं ग्रीन चैनल में सबसे कम नॉइज़ आ रही है, रेड में है काफ़ी और ब्लू के अंदर भी काफ़ी स्प्लॉचेज़ हैं, राइट। तो तीनों चैनल के अंदर अलग अलग टाइप की नॉइज़ दिखाई दे रही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा और वेरिएशन है नॉइज़ के अंदर। सबसे पहले हम एक बार इसको हाईलाइट को हटाते हैं, एक बार पूरी ओवरऑल फुटेज को दिखा के मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ ब्राइट पार्ट्स हैं वीडियो में और कुछ जो है डार्क पार्ट्स हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे रोशनी गिर रही है तो इधर जो है नॉइज़ नहीं है, इधर नॉइज़ ना के बराबर है, और जो ये पोर्शन है यहाँ पे शेडो एरिया है यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आपकी वीडियो के अंदर नॉइज़ आती है वो मोस्टली शेडो एरियाज़ में आती है, शेडो एरियाज़ ही सबसे ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं, राइट। तो हमें इनके ऊपर ज़्यादा काम करना है और जो ब्राइट एरियाज़ है वहाँ पर नॉइज़ इतनी आती नहीं है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है नॉइज़ रिमूव करते रहें। अब मैं वापस से हाईलाइट पर जाता हूँ
और यहाँ पर जो ब्लू चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो एरिया में नॉइज़ ज़्यादा है, यहाँ पर जो ब्राइट पोर्शन है उसमें नॉइज़ ना के बराबर है। सेम गोज़ फॉर ग्रीन, ग्रीन में थोड़ा शेडो एरिया में भी इसके कम है थोड़ी सी, और ब्राइट तो बिल्कुल क्लीन ही है। तीसरा वाला जो है इसमें भी ब्राइट वाले क्लीन है। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई कि हर चैनल के अंदर एक तो नॉइज़ डिफरेंट टाइप की है, प्लस नॉइज़ जो है शेडो रीजन के अंदर ही आती है ज़्यादा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने ये रेड चैनल को पकड़ा हुआ है, इसमें हम वेव फॉर्म देखते हैं। वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं नीचे गैप है शेडो के अंदर, तो मैं इस गैप को कम करूँगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर जो है लिफ्ट को यहाँ पर कम करूँगा, ठीक है। अब ये मैंने लिफ्ट को कम कर दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी सी नॉइज़ दबा दी क्योंकि हमने शेडोज़ को क्रश कर दिया हल्का सा, ठीक है। शेडो क्रश हो जाएंगी तो शेडो रीजन जिसके अंदर नॉइज़ है वो ऑलरेडी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब दोबारा से मैं ग्रीन चैनल के ऊपर आया और यहाँ पर भी मैं लिफ्ट को कम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रश कर दिया इसको, तो शेडो एरिया में थोड़ी नॉइज़ कम होगी। तीसरे में भी मैं यही करता हूँ, और ब्लू को भी मैं नीचे लेकर के आता हूँ, राइट। और इसमें थोड़ी अभी भी नॉइज़ ज़्यादा है, बट फिलहाल के लिए मैं तीनों को जो है इनकी शेडो रेंज तक लेकर के आ गया हूँ। अब मैं हाईलाइट को यहाँ से ऑफ़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी, अगर मैं इसको आपको ऑल डिप्रेस करके दिखाता हूँ या फिर यहाँ से बाईपास करता हूँ, ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे हमारी नॉइज़ काफ़ी हमने रिड्यूस कर ली है, नॉइज़ भी रिड्यूस कर ली है, प्लस अगर आप ओवरऑल कलर देखें यहाँ पर तो कलर भी हमारा थोड़ा बेटर निकल के वापस आ गया है, राइट। तो ये सिंपली जब मैंने इसको लोअर डाउन किया है इसकी शेडोज़ को, तो थोड़ी सी फुटेज हमारी यहाँ पर कंट्रोल हो गई है, प्लस अब थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये आप सोलो चैनल पे भी कर सकते हैं, बस इंडिविजुअल पे कि ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ठीक है। आप कलर को बैलेंस भी कर पा रहे होते हैं यहाँ से, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गेन बढ़ाना चाहूँगा, बहुत हल्का सा रेड हमने स्पाइक कर दिया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेड चैनल मेरा ऊपर जा रहा है, अलग से ये डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, रेड के बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से मैं ग्रीन को भी थोड़ा सा ऊपर करूँगा, ठीक है, और मैं इक्वल सा बैलेंस लेके चलूँगा ताकि ये फुटेज हमारी बैलेंस रहे, कुछ भी ज़्यादा बाहर ना निकले। तो ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर, हमने सिर्फ अभी इसका लिफ्ट गामा गेन से ही इतना कंट्रोल कर लिया। अब जो मैं बात कर रहा था मेन, यहाँ से दोबारा से हाईलाइट करते हैं और देखते हैं तीनों चैनल के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे ज़्यादा मुझे नॉइज़ दिख रही है ब्लू चैनल में, राइट। तो अगर मैं ब्लू चैनल पे ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अब यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, और फास्टर को यहाँ पर बदल के मैं करता हूँ बेटर, ठीक है। तो टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इतना, इससे मुझे थोड़ा फ़र्क पता लग रहा है, अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे टेम्पोरल से जो बड़े स्प्लॉचेज हैं यहाँ पर ही हट रहे हैं, राइट। तो इसको यहाँ कहीं पार्क कर देते हैं, और स्पेटियल नॉइज़ में जाकर के मैं बेटर करता हूँ, और इसको यहाँ पर बढ़ाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पुश करके आप थोड़ा सा वापस आ सकते हैं। देखने आपको हमें हमेशा 100% नहीं करना होता इसको, ठीक है, थोड़ा सा वापस ज़रूर लाना। जहाँ तक आपका मतलब काम चल रहा है उतना ही पुश करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन आप लगाएंगे उतना ही हैवी आपका सीन हो जाएगा, राइट। अब ये मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना यहाँ पर इससे फ़र्क पड़ गया है। हमने एक तो शेडो इसकी डाउन की और इसके ऊपर ही नॉइज़ रिडक्शन थोड़ी सी लगाई है, तो उससे हमारा इतना फ़र्क पड़ गया, राइट। और अगर मैं इसे की को हटाता हूँ तो ओवरऑल फुटेज के अंदर हमारा इतना फ़र्क पड़ गया, राइट। तो काफ़ी नॉइज़ तो हमारी सिर्फ ब्लू चैनल से ही चली गई है। अगेन हाईलाइट पर सिलेक्ट करता हूँ मैं, और सेकेंड जो ग्रीन चैनल है इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी मैं अलग से नॉइज़ लगाता हूँ, हटाता हूँ नॉइज़ रिडक्शन लगा करके, और इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, इतना काफ़ी है, 31 बेटर, परफेक्ट, इतना रख लेते हैं। एंड एक बार चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। और तीसरा केस जो है रेड वाला, इसमें भी नॉइज़ ज़्यादा थी थोड़ी। तो रादर देन मैं सिंगल एक नोड के ऊपर नॉइज़ लगाने के, तीनों अलग अलग चैनल पे जितना वो डिमांड कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन की ज़रूरत है उस चैनल पे ज़्यादा कर रहा हूँ, जहाँ पे कम की ज़रूरत है वहाँ पे कम कर रहा हूँ, तो टोटल ही मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तीनों चैनल को अलग अलग, राइट। और अब देखते हैं, तो ये हमारी नॉइज़ इसमें से निकल गई है, तो बिफोर आफ्टर, ठीक है। 100% नॉइज़ नहीं निकली है डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अगर मैंने 100% निकाली तो जो क्वालिटी देखने में इसकी जो है ख़राब हो जाएगी, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी नॉइज़ थी और इतना क्लीन हमने कर दिया है, राइट। बाकी आप नई नोड लगा करके इसके अंदर और चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा टॉप से इसका कलर चेंज करता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा रेड कम करता हूँ, तो थोड़ा सा सयान कलर ऊपर आ जाए, और ओवरऑल भी जो है मैं थोड़ी सैचुरेशन इसकी बढ़ा देता हूँ। तो जैसा ये एंगल है रोड का उसके हिसाब से मैं इसे सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एंड सैचुरेशन को मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, मैंने चेक करने के लिए ज़्यादा कर दी थी, 70 यहाँ पे मैं रखता हूँ। एंड ओवरऑल मैं अब फर्स्ट नोड पे जा करके अगर इसके लिफ्ट को थोड़ा और इस तरह से पुल कर देता हूँ कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, कि इनको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ओवरऑल जो शेडोज़ हैं मेरी, शेडोज़ में थोड़ा सा मैं रेड कम कर लेता हूँ,
तो बस इन दो नोट के ऊपर मैंने हल्का फुल्का ग्रेड किया है, उससे ये इतना फ़र्क पड़ गया। इस वाले में थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन है वो मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, उसमें मैं थोड़ा सा लिफ्ट और कम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि डार्कनेस आ जाए और हमारी गाड़ी के ऊपर थोड़ा फोकस जाए। ऑल्ट एस प्रेस करके मैंने एक सीरियल नोट लगाई है, इस पर मैं एक इस टाइप से गाड़ी के अराउंड जो है मास्क लगा लेता हूँ और इसको मैं सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा देता हूँ। अब जो भी मैं इस मास्क पे करने वाला हूँ सिर्फ गाड़ी के ऊपर उसका असर होने वाला है, तो मान लो मैं थोड़ा सा इसका यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ हल्की सी, तो ये चीज़ सिर्फ कार के ऊपर काम कर रही है, राइट। अगर मैं इस नोट को ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं इससे इतना फर्क पड़ता है, पहले पूरी ये ब्लेंड हो रही थी सीन में, अभी थोड़ी सी उठ करके निकल के सामने आ गई है, राइट। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल यहाँ से सीन को यहाँ तक मैं ले आया हूँ। इसके बाद जितना आपको टाइम लगाने, क्योंकि मैंने ओरिजिनली जो कर रखा था उसमें मैंने थोड़ा सा ये ग्रीन टिंच जो है सियान टिंच है इसको थोड़ा और ब्लू की तरफ रखा हुआ था। ओरिजिनली मैंने ऐसा कुछ किया हुआ था, ब्लू और थोड़ा सा ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया था, टील एंड ऑरेंज जिसे कहते हैं। अभी जो हमने ग्रेड किया उसके अंदर मैंने जो है थोड़ा सा सियान और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो इसको पुश ऑन कर सकते हैं आप जितना मर्जी, अगर आपको वैसा पसंद हो आर्ट स्टाइल तो वैसा रख सकते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैट्रिक्स मूवी टाइप का कुछ शॉट लग रहा है, और उस केस में थोड़ा मैंने म्यूजिक वीडियो के हिसाब से पूरी जो कलर थीम थी उसके साथ मैच करके बनाया था। बट मेन चीज़ समझाने वाली ये थी कि आप इनको स्प्लिटर को इस तरह से आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्लिटर और कंबाइनर को, तीनों नोट्स को अलग अलग आप सिलेक्ट करके उसमें अलग अलग नॉइज़ आप देख सकते हैं कितनी कितनी नॉइज़ है, राइट। बट इन तीनों का एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जैसे कि मैं जब यहाँ पर इसकी शेडो वगैरह कम कर रहा था किसी एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर, अगर आप उसी चैनल को देख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप कलर्स को भी ट्वीक कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिफ्ट को बिल्कुल कम कर देता हूँ, राइट, अब देखने में आपको लग रहा है ये डार्क हो गया, बट आप जब इसे ऑन करोगे वापस से हाईलाइट से हटाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपने पूरा रेड पुश आउट कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, इस टाइप की चीज़ थी, और मैंने जैसे लिफ्ट को डाउन कर रहा हूँ क्योंकि ये रेड चैनल है, इसमें सारी शेडोज़ में से पूरा रेड कलर बाहर निकल रहा है, ठीक है, देख रहे हो, शेडो में कहीं पर भी रेड बचा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको सिंपली सिर्फ रंगों को अलग से कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। मान लो मैं चाहता हूँ शेडोज़ के अंदर मेरा जो है रेड कम ही हो जाए, मैं ब्लू चाहता हूँ शेडो के अंदर, तो मैं यहाँ पर जो है लिफ्ट में से रेड चैनल को सिलेक्ट करके लिफ्ट को मैं कम कर दूंगा। तो इस तरह से आप इजीली अलग अलग चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया कि इससे आप रंगों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लिफ्ट गामा इन सब चीज़ों के अंदर में, प्लस आप इससे अलग अलग नॉइज़ को अलग अलग देख सकते हैं, उसको नॉइज़ को भी अलग अलग चैनल में कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगेन ये थोड़ी जीपीयू टैक्सिंग चीज़ है, अगर आपका जीपीयू स्ट्रांग है तो ही इन चीज़ों को कीजिए, अगर आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता तो आप नॉर्मल थोड़ी जितनी आप कर सकते हैं उतनी ही नॉइज़ रिडक्शन कीजिए, ज़्यादा उसके अंदर जो है नॉइज़ रिडक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है अगर आपको फुटेज ऐसी मिल जाए जिसके अंदर नॉइज़ ऑलरेडी कम हो, तो शूट अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पर लाइट प्रॉपर हो, और अगर लाइट की कमी है तो इस तरह से सीन को लिट करें कि जो आपके सब्जेक्ट वगैरह उसको आप प्रॉपरली एक्सपोज कर पाएँ, और नॉइज़ एरिया जो है वो मिनिमम आपको करना है। शेडो एरियाज़ के अंदर नॉइज़ हमेशा होती है, तो शेडोज़ को जब आप क्रश करेंगे तो थोड़ी नॉइज़ आप वहाँ से भी कम कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा नॉइज़ी फुटेज आ गई है तो देखिए उसको 100% तो आप चमका के सही कर नहीं सकते, अदरवाइज़ फिर कोई भी क्रैपी वीडियो को आप कुछ भी बना सकते, राइट, फिर वो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है डीओपीज़ का जो होता है कि वो अपनी लाइटिंग को सेट कर रहे हैं, इतना अच्छा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उसको ढंग से नॉइज़ फ्री वीडियो शूट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक आर्ट है, वो अपने आप में एक स्टडी है। तो बेस्ट वीडियो जब आपके पास आएगी उसको और आप बेस्ट कर पाएंगे, अगर बिल्कुल क्रैपी वीडियो है बिल्कुल ही भरी हुई है नॉइज़ से तो आप जितना बड़ी जोर लगा दीजिए उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट जितना आप बचा सकते हैं उसके लिए ये सब टूल्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करके काफ़ी नॉइज़ी फुटेज को भी आप बचा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा जो आपके वर्क फ्लो में आपकी हेल्प करेगा, और अपने 75 हार्ड चैलेंज के अंदर मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो। डेली वीडियोज़ आने वाली हैं, लगातार आएंगी, अब तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, सब पर लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।